लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शराफत पुलिस स्टेशन चलकर साहब को बताना। अरे हाथ छोड़िए, चल 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 ये सावन काहे साहब, ये लड़की तो नई लगती है। हो साहब, एरिया में कभी देखा नहीं इसको। ये लड़की इधर आ, इधर आ। ए चुप रहे। क्या नाम है तेरा? नेहा। नेहा माथुर। कब से इस धंधे में? So what do you mean? I'm not like one of these girls. अंग्रेजी बोलती है। हाई क्लास धंधा और सामान साथ में ताकि पुलिस को शक न हो। सर प्लीज मुझे इतना भी बेइज्जत मत कीजिए आप। ए बकवास बंद कर। सर मेरी बात तो सुनिए। ठीक है अपना पता बता। यही तो बदकिस्मती है, मेरे पास किराए देने के लिए पैसे नहीं थे तो उस मकान मालकिन ने मुझे आधी रात को ही घर से निकाल दिया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और मेरी गिनती इन लोगों के साथ हो रही है। कोई पहचान वाला है जो तुम्हारी गारंटी दे सके? सर है, बोरा साहब है, मेरे सेक्रेटरी। ओह माय गॉड, लेकिन वो भी शहर से बाहर चले गए। नेचुरली सारे जानने वाले इस समय शहर छोड़ के चले गए होंगे, है ना? देख लड़की, ये नाटक यहाँ डेली होता है, तू चुपचाप उधर जाके बैठ, चल सवेरे देखेंगे। सर एक और है। एक और है? है, है। सर एक मिनट। हाँ सर, पृथ्वी बहुत बहुत बड़े फोटोग्राफर है, मैं उनके पास काम मांगने के लिए गई थी, वो शायद मेरी गारंटी देंगे। शायद? सर वो देंगे मेरी गारंटी। मैं एक फोन कर सकती हूँ? ला कार्ड मुझे दे, मैं फोन करता हूँ, तू उधर जाके बैठ, चल। बॉस बॉस। क्या है? फोन। किसका? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? हेलो सर, पृथ्वी स्पीकिंग सर। लड़की का लफड़ा है, नेहा नाम की लड़की। लड़की नेहा? तुमको फौरन पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सर फिलहाल तो सो रहा हूँ सर, कल सुबह आ जाऊंगा सर। तुम अब भी आता है या हवलदार को भेजो है? अरे नहीं नहीं सर, मैं अभी आया सर। नमस्ते सर, मेरा नाम पृथ्वी है, आपने मुझे बुलाया। तुम उस लड़की को जानते हो? कर रही हो? वो मेरे पास पैसे नहीं थे किराए देने के लिए तो उस मकान मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी और बारिश हो रही थी ना, तो ये लोग समझते कि मैं भी ये इन धंधे वाली लड़कियों के साथ पकड़ी गई। तुम जानते हो इसको? चलो मेरे साथ चलो। ये शरीफ लड़की आपको धंधे वाली लगती है? ये बस स्टॉप पे इनके साथ पकड़ी गई है। बस स्टॉप पे खड़े रहना जुर्म है। ए मिस्टर, हमें कानून मत सिखाओ। तो क्या आप हमें कानून सिखाएंगे? क्या कानून ये है कि आप किसी की इज्जत को सरेआम नीलाम कर सकते हैं? चिल्लाओ मत। आप मत चिल्लाइए, मैं भी इस शहर का एक मशहूर फोटोग्राफर हूँ, पेपर में मेरा एक स्टेटमेंट आपको कानून सिखा देगा। ठीक है, इन पे शक था इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए, अब आप इनको जानते हैं तो ले जाइए इन्हें यहाँ से। सावन जी साहब, मैडम को जाने दो। अच्छा साहब, चलो निया कम। I'm sorry, मैंने आपको तकलीफ दी, अगर आप ना आते तो। काम छोटा सा था, एहसान बढ़ा जाता रही हो। चलो कहाँ? पुलिस स्टेशन और बस स्टॉप से दूर मेरे घर। नहीं नहीं, मैं पर बोझ थोड़ी बन सकती। कंधे पे उठाकर नहीं ले जा रहा हूँ, बाकायदा गाड़ी में जाएंगे। आज रात मेरे घर रहना, कल सुबह सोच लो क्या करना। ओके कम चलो कम आ जाओ।
चलिए, मेरा मतलब है, रुके रुके एक मिनट, एक मिनट, ओके जी? एक मिनट, ओके गुड फोटो। मालिक कुछ और बोलता है, चल बाहर जा, बाहर कहाँ, बाहर जा एकदम, चल बाहर गोडाउन में जा। मच्छर है, कहाँ जा रहा है, बाहर, इधर इधर चल। यस, लाइए मैं रख देता हूँ। थैंक यू। भूख लगी है? खाना खाया? उपवास है ना? नहीं नहीं ना, वेजिटेरियन हो? क्यों? बैचलर हूँ ना, ऑमलेट बनाना आता। चलेगा? चलेगा, फंस गया। नहीं नहीं, मजाक कर रहा था। तुम्हारे कपड़े भी गीले हैं, बैग भी गीला है, वो रहा मेरा कबर्ड, कुछ कपड़े पहन लो वरना बीमार हो जाओगी। तब तक मैं चलेगा बनाकर आता हूँ। ओके बाय। कैसे दिन आ गए, नौकर सो रहा है, मालिक ऑमलेट बना रहा है। ये बैचलर की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, लेकिन एक बात है, बीवी की किटकिट तो नहीं है, लेकिन यार ये खाना वाना बनाने का चक्कर बहुत खतरनाक है यार। रूम सर्व। पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी उठिए। अरे नेहा, तुम? हाँ, चाय। तुम क्यों ले आई, डबल ले आता? क्यों, मैं नहीं बना सकती, जल्दी पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। थैंक्स। यू वेलकम, मैं भी आती हूँ। इस लड़की की वजह से मेरा तो पूरी रात गोडाउन में मच्छरों ने मेरी और एक मच्छर, तेरी आंख खुल गई? मेरी एक आंख तो बचपन में खुल गई थी, लेकिन बॉस मुझे लगता है आपकी दोनों आंखें अभी भी बंद हैं। क्या मतलब? अरे जिस लड़की ने आधी रात को आपको पुलिस स्टेशन में खिंचवा लिया, उसी लड़की को आप घर में ले आए। तो फिर क्या आधी रात को छोड़ आता? बेचारी के सर पर अच्छा था और ना हाथ में काम। यानी कि आपकी नजरों में ये लड़की पूरी तरह बेचारी है और दिल में? शट अप, वो सचमुच प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम में तो मैं हूँ बॉस। आपका क्या प्रॉब्लम है बॉस? मुझे 500 रुपए चाहिए। क्यों? रात को मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए। तो फिर ये क्या है? ये तो बाजू वाली आंटी का ब्लाउज है। शट अप, तू तो सारी पगार ले चुका है यार। अरे पगार कौन मांग रहा है बॉस, मैं तो आपसे एडवांस मांग रहा हूँ। एडवांस? हाँ। अरे यार डब्बू, मैंने आज से ही एडवांस देने का सिस्टम बंद कर दिया। आज से ही? हाँ। अरे यार, यहाँ कहाँ जा रही हो तुम? पहले तो रहने के लिए कोई जगह ढूंढूंगी, फिर कोई काम। पैसों के बिना जगह मिल जाएगी? ये लो, रख लो, रख लो। इसे एहसान या मदद मत समझना, एडवांस के तौर पर दे रहा हूँ। एडवांस? किस लिए एडवांस? मैं एक साबुन की एड बना रहा हूँ, उसके लिए मुझे खूबसूरत मॉडल की जरूरत है, समझ लो वो मॉडल तुम हो, और ये एडवांस दे रहा हूँ तुम्हारी डेटा बुक करने के लिए। लेकिन साबुन? नहीं 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 नहीं, नहाने का साबुन नहीं है, कपड़े धोने का साबुन है। ओह। तुम अंदर चली जाओ और मैसूर जाने की तैयारी करो। थैंक यू। यू वेलकम। वो 20 मिनट ही हुए आपसे मिली है, उसको एडवांस दे दिया, और मैं 20 साल से आपका असिस्टेंट हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैंने एडवांस मांगा, मुझे नहीं दिया। ये ले, 500 ही चाहिए। वेरी गुड माय बॉय, वेरी गुड। थोड़ा नेहा के करीब जाओ, उसकी कमर में हाथ रखो। आ अबे दूर हट, नेहा का लाइट कवर कर रहा तू। बस वो उसकी कमर में हाथ डाल रहा है, गुदगुदी आपको क्यों हो रही है? कहीं आपको प्रेम रोग तो नहीं हो गया? प्रेम रोग? हाँ प्रेम रोग। अच्छा जो मैं आपसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। उस लड़की को हमेशा देखने को दिल करता है ना? हाँ। और जब वो आपको देखती है, आप चोरों की तरह नजरें चुरा लेते हैं ना? हाँ। और जब वो लड़का उसे पकड़ रहा था, आपके अंदर कहीं कुछ जल रहा था ना? हाँ यार। यही तो। अबे चुप चुप चुप। चिल्ला था क्यों यार? यही तो प्यार की शुरुआत है। हाँ यार डबू। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मामला उधर भी गड़बड़ है। किधर? उधर देखो, उधर आपके बैग से फोटोग्राफ्स निकाल कर ले जा रही है। ये तो वही फोटोग्राफ्स है जो मैंने चोरी से खींचे थे। तूने बैग क्यों नहीं बंद की? मैं भूल गया था। कैसे भूल सकता है तू? बस मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरी ये भूल आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। हम्म। बस
मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप उसे डिनर पर बुलाइए। अच्छा, हिम्मत से काम लीजिए, फोटो लेने के बहाने उसके रूम में जाइए। यार अच्छा नहीं लगता डब्बू। डरिए मत, जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए, उसके रूम में जाइए, नॉक कीजिए, टक टक टक। कम इन, कम इन। पृथ्वी। हाय, मे आई कम इन? आइए ना। यस। हेलो। गुड इवनिंग। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर मैं कहूँ कि आपने किया है तो? जी जी, वो क्या है, बिना इजाजत के किसी के बैग से फोटो चुराना अच्छी बात नहीं है, और बिना इजाजत किसी सोई हुई लड़की के फोटोग्राफ्स खींचना बहुत अच्छी बात है ना? वो क्या है, आप सो रही थी तब आप बहुत खूबसूरत, मेरा मतलब है लाइट बहुत खूबसूरत थी। हाँ। इसलिए कैमरा अपने आप चलने लग गया, क्लिक 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 क्लिक। अच्छा, कोई लेटेस्ट कैमरा होगा है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपने खाना खाया? जी खा लिया। मैंने भी खा लिया। अच्छा किया, तब वो कोने में तेरी दूसरी आंख भी फोड़ दूंगा। जी कुछ कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, तो चलो। वो आपके फोटोग्राफ्स? नहीं नहीं नहीं, आप ही के फोटोग्राफ्स है, आप रख लीजिए, मैं क्या करूंगा, चलता हूँ। आपने सचमुच खाना खा लिया? जी। गुड नाइट। गुड नाइट। लेकिन जब उसने खाना खाया नहीं तो खाने के लिए मना क्यों कर दिया? यार डब्बू, कहीं मैं गलत जगह प्यार तो नहीं कर बैठा हूँ? नहीं बॉस, जगह बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों क्यों? मेरा एक्सपीरियंस कहता है खाने के लिए उसने मना तो कर दिया, लेकिन भूख के मारे वो भी करवटें बदल रही होगी। ओहो, क्यों खाने से मना कर दिया मैंने, मरो भूखी, अब तक तो किचन भी बंद हो गया होगा। बॉस, अब तक तो किचन भी बंद हो गया होगा, कब तक क्यों बैठे रहोगे, मुझे तो नींद आ रही है, आपको भूख लगे ना तो ये सेब खा के सो जाना, गुड नाइट, सॉरी बैड नाइट। इससे क्या होगा? पेट अंदर कर, अच्छी फोटो खींचूंगा, अच्छी फोटो। सेक्सी। चल 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 चल। हाय। अरे तुम लोग यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो, शूटिंग नहीं है क्या? शूटिंग कैंसिल हो गई। नेहा बिल्कुल बोर हो गई यार। यार क्रिकेट तो खेलते हैं। तो चलो ना खेलते हैं। तुम मनाओ उसे। अरे पृथ्वी नहीं मान रहा है ना। क्यों नहीं मान रहा पृथ्वी? अरे तुम्हारे कहने से मान जाएगा यार। मनाओ उसे। मनाओ प्लीज, मनाओ प्लीज, प्लीज यार मनाओ। क्या कर रहा है तू? टमाटर खाया था, ये निकला। गुड मॉर्निंग टब्बू। हाय हाय। गुड मॉर्निंग। बॉस हमला हमला। शट अप, कुर्सी है निकाल। सर अगर शूटिंग नहीं है तो क्यों ना कोई गेम खेले। व्हाई नॉट, कबड्डी खेलते, कबड्डी। शट अप। नेहा तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स, व्हाट अ लवली गेम। बॉस आप तो कह रहे थे क्रिकेट बहुत बोरिंग। शट अप डब्बू। ठीक है, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं ओपनिंग बैटिंग करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तू टेंडुलकर नहीं बन सकता, पायर बन। ओके चलो टीम बनाते हैं। टॉस करते हैं। नहीं, कॉइन की जरूरत नहीं। ओके। इन मीन साढ़े तीन। व्हाई? इन मीन साढ़े तीन मेरी साइड। अरे बॉस निकाल दो ना बॉस। चलो वो मैदान में आ जा। ठीक है मैं थर्ड इन बैट से पूछता हूँ, देख ले। You to die in my cricket or take my
अचानक स्पीड कैसे कम हो गई? श्री नाथ से कुंबले कैसे बन गए? वो पाँव फिसल गया डब्बू, इसलिए पाँव फिसल गया या दिल फिसल गया? अरे कैच किया ना, नो बॉल हुआ ना, पृथ्वी क्या है डब्बू? थर्ड अंपायर सर चीटिंग है ये। भाई और भाभियों, अब इस इनिंग का ये लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल टू गो, चलो। अब चार्ली की टीम शुरू होने वाली है, नेहा ओवर की पहली गेंद फेंकेंगे। जानबूझकर आउट हो गए? आउट तो हम बहुत पहले से हो चुके हैं डब्बू, विकेट आज गिरी। निमी, आई वॉन्ट दिस गर्ल एट एनी कॉस्ट। मुझे ये लड़की किसी भी कीमत पे चाहिए।